नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अभी जो आप फुटेज देख रहे हैं ये मेरी कार में लगे डैश कैम में रिकॉर्ड हुई है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर मेरे पास डैश कैम नहीं होता, मेरी कार में डैश कैम नहीं लगा होता, तो यहां पर जो है आज मैं काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस गया होता। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, काफ़ी भीड़ भाड़ वाले इलाके में मैं अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ और आगे चल के एक सर्कल आने वाला है। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, सर्कल से पहले ही एक बाइक वाला रॉन्ग साइड आते हुए मेरी कार के सामने आ गया। और कार के सामने आने के बाद मैंने एकदम से सडनली ब्रेक लगा दिए और ब्रेक लगाने के बाद वो साइड में आ गया और साइड में आके जो है मुझसे विवाद करने लगा। अब विवाद तो जो है वहाँ पर ख़त्म हो गया क्योंकि मेरे को पता था कि मेरी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन मैं वहाँ से थोड़ी देर बाद निकल गया। तो आगे की जो घटना है उसको बताने से पहले आप फुटेज देखिए। देखिए, अपनी दिशा में मैं जा रहा हूँ और सामने आप देखेंगे दो बाइक रॉन्ग साइड आएंगी जिसमें से एक की हेडलाइट ऑन होगी। तो हेडलाइट जिसकी ऑन है वो आगे एकदम सामने आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर जो है मैंने ब्रेक लगा दिए। अब मैं थोड़ा सा रुका, ये कुछ बोला था मुझसे लेकिन मैंने इग्नोर किया और मैं सीधे आगे निकल गया। तो एक बार ये चीज़ फिर से देखते हैं स्लो मोशन में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो बाइक आ रही हैं, एक तो मेरे लेफ्ट साइड से निकल गई और दूसरा जिसकी हेडलाइट ऑन है वो एकदम सामने आ गया। तो मैंने ब्रेक काफ़ी दूरी से ही लगा दिया था, गाड़ी पहले ही रुक गई थी। अब यहाँ पर जो है ये विवाद करने लगा था तो मैंने सोचा कि यहाँ से निकल जाते हैं, तो मैं यहाँ से फिर निकल गया। तो मैंने गाड़ी फिर जो है आगे बढ़ा दी और आप देखेंगे ये जो सर्कल है इसको, इस सर्कल को घूम के आना चाहिए था लेकिन ये रॉन्ग साइड आ रहा था। अब हुआ क्या, थोड़ा सा आगे निकलने के बाद आगे एक थाना पड़ता है तो वहाँ पर होता है चेकिंग पॉइंट। तो वहाँ पर ये पहुँच गया और मेरी शिकायत पुलिस वालों से करने लगा कि इसने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी और जो है मेरा नुकसान हो गया और ये गाड़ी से टक्कर मारने के बाद भाग गया। अब वहाँ पर जो है जैसे ही मुझे रोका गया तो मैंने सारी चीज़ बताई तो हम लोगों ने बताया, लेकिन पुलिस जो है छोटी गाड़ी वाले का साथ दे रही थी। उनका कहना था कि तुमने टक्कर मारी होगी, ये गिर गया है इस तरह से तो इसका जो है नुकसान हो गया है, जबकि उसका कोई नुकसान नहीं हुआ था, गाड़ी टच भी नहीं हुई थी। अब मैंने बताया कि अगर मैं टक्कर मारता तो मेरी गाड़ी में भी नुकसान होता, आप देखिए मेरी गाड़ी में भी कहीं भी जो है कोई टचिंग नहीं है, कोई भी जो है नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, बोले इसको 2000 रुपये दो आप। फिर मैंने बोला कि सर ऐसा है कि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, गाड़ियों के बारे में ही वीडियो बनाता हूँ और सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करता हूँ, ये रॉन्ग साइड से आ रहे थे, मैंने सारी घटना बताई लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर मैंने बोला इसका मैं प्रूफ दिखा देता हूँ आपको। तब मैंने जो है अपने डैश कैम से फुटेज दिखाई। तो जैसे ही फिर मैंने फुटेज दिखाई और पुलिस वालों ने फुटेज देखी तो उनको सारा मामला समझ में आ गया कि यहाँ पर जो है ये बाइक वाला झूठ बोल रहा है, मेरी गाड़ी तो टकराई भी नहीं है इससे। तो फिर जो है जो बाइक वाला था वो माफ़ी मांगने लगा, हाथ पैर जोड़ने लगा मेरे पुलिस वालों के कि छोड़ दो, फिर जो है मेरे से गलती हो गई। तो मैंने बोला उनको मेरे को कोई शिकायत नहीं करनी है इसकी, इसको जाने दो, कोई इशू नहीं है मुझे। तो यहाँ पर अगर मेरे पास डैश कैम नहीं होता दोस्तों तो यहाँ पर बड़ी मुसीबत में फंस जाता और जितनी भी घटना थी वो डैश कैम में रिकॉर्ड हुई थी, तो प्रूफ के रूप में मैंने पुलिस वालों को तुरंत दिखा दिया। हालांकि मेरे जो फादर हैं वो भी एक रिटायर पुलिस ऑफिसर हैं और मेरे फैमिली में भी और ही पुलिस वाले हैं और जान पहचान भी है मेरी, तो मैंने कोई भी रेफरेंस नहीं दिया था यहाँ पर क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास प्रूफ है और मैंने, मेरी गलती नहीं है, सारी घटना मेरे डैश कैम में रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर जो है डैश कैम मेरे बड़े ही काम का रहा और ये जो डैश कैम था इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था और मेरे पास फ्रंट और रियर दोनों रिकॉर्डिंग करने वाला डैश कैम है। तो हमेशा दोस्तों मैं यही कहता हूं कि एक तो आप बिल्कुल सही से गाड़ी को चलाइए, आपके पास टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, कोई भी व्हीकल हो, हमेशा ट्रैफिक रूल को फॉलो कीजिए। साथ में अपनी गाड़ी में डैश कैम जरूर लगाइए अगर आपके पास फोर व्हीलर है, क्योंकि डैश कैम बड़े ही काम की चीज़ है। अगर आप सिटी में गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो बड़ा ही जो है काम का साबित हो सकता है कई जगहों पर। तो ये एक घटना थी जो कि लास्ट वीक मैं बाहर गया हुआ था किसी काम से और लौटते समय जैसे ही मैं वापस सिटी में एंटर हुआ था उसके बाद ये घटना हुई थी। तो अगर डैश कैम नहीं होता तो बड़ी ही प्रॉब्लम में फंस जाता, इसीलिए मैं कहता हूँ कि कार में आप डैश कैम जरूर लगाइए। आप लाखों रुपये की कार ले लेते हैं लेकिन कुछ हज़ार रुपये का डैश कैम लगाने से परहेज कर जाते हैं, जबकि कुछ हज़ार का डैश कैम आपको बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।